हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी रिंकी जायसवाल। और मैं रिंकी, आप जानते तो है ना। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। तो गाइस, मैं भी बड़ी मस्त हूँ। तो जो है ना, अभी हो रहा है, टाइम हो रहा है, 8 बज रहा है। अभी आज की तारीख है 1 जो है ना अगस्त, और आज का दिन है थर्सडे। तो गाइज, बस इवनिंग के 8 बज रहे हो, मैंने ब्लॉग चालू कर दिया। और मैं आज आ गई थी, मतलब कि 7:30 बजे के करीब में। उसके बाद मैं थोड़ा हाथ पैर धोई हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर लेटी थी, क्योंकि मैंने अभी तक जो है ना अपने YouTube पर जो है ना वीडियो को पोस्ट नहीं किया था, तो वही सब कर रही थी। तो अब जाकर मैंने सोचा कि लो ब्लॉग चालू कर देते हैं, 8 बज गया है, तो मैं 8 बजे से ही ब्लॉगिंग कर पाती हूँ। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं शॉप जाती हूँ, मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, तो मैं वहाँ पर रहती हूँ दिन भर में। तो अब मैं आई हूँ, तो मैंने ब्लॉगिंग भी चालू किया। और ब्लॉगिंग मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये सब करना मतलब पसंद है, और आप लोग से सबसे ज़्यादा बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोग ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट दिया, इसके लिए थैंक यू, और मैं इसका दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो प्लीज़ जो है ना, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो गाइस, अगर अभी तक आप नए व्यूअर हैं, अभी तक मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, तभी मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। तो गाइस, आप ब्लॉग पसंद आते हैं तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। तो गाइस, इस समय मैं शॉप से आई हूँ, और आज पता नहीं क्यों, आज के 2-3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ीपन फील हो रहा है, मतलब कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन घर हाउस वाइफ हूँ, और काम तो करना ही करना है, तो सारा जो नॉर्मली काम होता है वो सारे चीज़ें मैं निपटाती हूँ और कर रही हूँ धीरे धीरे, मतलब लेट के, बैठ के, उठ के, जैसे भी करना होता है करती हूँ। और उसके बाद शॉप भी चली जाती हूँ। कभी कभार जैसा होता है कि कल जैसे मैं शॉप नहीं गई थी, तो आज तो जाना ज़रूरी था, क्योंकि रोज़ रोज़ तो छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, तो यही है, और शॉप मेरी अपनी है, कोई छुट्टी तो लेना नहीं, लेकिन काम भी तो अपना ही है, तो ख़राब हो जाएगा अगर नहीं जाऊंगी। तो यही है गाइस, जो है ना, मैं अभी जस्ट लौट के आई हूँ, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, और उसके बाद क्या वीडियो अपलोड की हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करने आ गई, क्योंकि मुझे आपसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बेहद पसंद है आप लोग से बात करना। तो गाइस, इसीलिए मैंने जो है ना ये यूट्यूब चैनल बनाया है, आप जैसे प्यारे प्यारे से फैमिली मेम्बर और फ्रेंड से बात करने के लिए। तो गाइस, यही सब है। आज मुझे अचार भी बनाना, लेकिन जो है ना वो कुंदरू और मिर्च सूख तो नहीं पाए, पंखे में फैला के गई थी, देखती हूँ कैसे सूखे हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ ऊपर का पानी ही ख़त्म करना था, हल्का सा जैसे मुरझाया होता है बस उसमें ही अचार डालना था। अगर ऐसा हो जाता तो मैं भी अचार डालूंगी, अगर नहीं होता है तो कल मैं देखूंगी धूप में डालने के लिए। ये मेरे हेयर पता नहीं क्यों ऐसे मुड़े हुए हैं, तो वही मैं सीधा कर रही हूँ। तो गाइज, यही सब है, तो चलते गाइज, मैं थोड़ी आ गई हूँ और अब जा रही हूँ बनाने के लिए, मतलब डिनर अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज डिनर में कढ़ी खाने का जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा है, तो कढ़ी के लिए दही नहीं है, क्योंकि मैं दही नहीं जमा पाती हूँ, उसे जमता नहीं है, तो इसलिए दही नहीं है। और मार्केट से आना है, तो इसलिए जो है ना, जब फिर हस्बैंड शॉप बंद करके आएंगे तभी वो दही लेकर आएंगे, तब कढ़ी बनेगी। तो इसीलिए जो है ना, अभी मैं डिनर तो नहीं बना रही, पर अभी जा रही हूँ मैं अचार बनाने के लिए। तो करौंदे का और मिर्ची का अचार मैं बनाने जा रही, तो उसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आप सबसे। तो जो है ना, चलते गाइस, मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ कि मैं जो है ना करौंदे और मिर्ची का अचार कैसे बनाया जाता है वो। और मैं करौंदे और कुंदरू में कंफ्यूज हो जा रही हूँ, बार बार कुंदरू निकल आ रहा है, तो करौंदा और मिर्ची का अचार बना रही हूँ, तो देखते हैं गाइस मैं कैसे। तो गाइज़, ये करौंदा और मिर्चा है जिसको मैंने रात में काट लिया था धो करके, और नमक हल्दी लगा के रख दिया था ओवरनाइट। तो दिन में मैंने इसको धूप में सुखा दिया है, तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सूख गया है। तो गाइज, इसमें जो है ना मैं जो मसाला डालूंगी वो ये है। तो 5 चम्मच मैंने सौंफ ली है, 2 चम्मच मेथी दाना लिया, और ये कलौंजी है जिसको 2 चम्मच मैंने लिया है, और 5 से 7 चम्मच मैंने धनिया लिया है, खड़ा धनिया। और इसके अंदर मैं नमक डालूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी आप जरूरी हो, और राई कम से कम 4 चम्मच, ये पीली राई है, और हल्दी लेंगे 2 चम्मच के करीब में। और इसके बाद मैं हींग डालूंगी कम से कम आधा ये ढक्कन के करीब में, और बस यही मसाला पड़ेगा। तो पहले इसको फ्राई कर लेते हैं।
तो गाइज मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो अब मैं इन सारे मसालों को एक साथ फ्राई कर लूँगी। और गैस की फ्लेम को धीमी रखिएगा क्योंकि धीमी धीमी गैस में ही इसको फ्राई करना है, मतलब इसको भूंजना है थोड़ा सा, मतलब लाइट ब्राउन होने तक। और अगर तेज़ गैस में आप इसको भूंजेंगे तो जल जाएगा, इसलिए धीमी गैस में थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए इसको फ्राई। तो गाइज आप देख सकते हो कि ये सारे मसाले भून चुके हैं अच्छी तरीके से, मैंने कढ़ाई में धीमी गैस में भून लिया तो लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो अब इसको मैं प्लेट में खाली कर लूँगी सारे मसाले को, और बस खाली करने के बाद इसके अंदर में जो कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर मैं राई को डालूँगी, पीली राई। और पीली राई को मैं जो है ना, क्योंकि अचार में पीली राई ही पड़ता है, उससे अच्छा टेक्स्चर बनता है, तो इसलिए जो है ना पीली राई को भी मैं अच्छी तरीके से भूंज लूँगी, हल्का सा लाइट कलर होने तक भूंजूंगी। और जब तक राई छटकता है तब तक ही इसको हम भूंजेंगे, तो पहले इसको भूंज लेते हैं। तो गाइज ये भूंज गया है और राई छटकने लगी है, मतलब छटकने लगी है, तो बस अब इसको भी निकाल लेंगे और पीसने के लिए मिक्सी जार में डाल देंगे। तो गाइज मैंने इसी कढ़ाई में जो है ना सरसों का ऑयल डाला हुआ है, तो इस ऑयल को मैं पका लूँगी क्योंकि अचार में कच्चा ऑयल नहीं डालना चाहिए, स्वाद नहीं होता है, और पका ऑयल पड़ने से जो है ना अच्छा स्वाद आता है, कच्चा ही नहीं लगता है। तो ये जो है ना ऑयल को मैं जो है ना गर्म कर लूँगी। तो गाइज मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, अब इसके अंदर मैं राई डाल दूंगी जो मैंने फ्राई कर लिया कि राई ठंडी हो गई है, तो ये राई को भी मैं डालूंगी। और इसके बाद जो ये सारा मसाला है इसको इसके अंदर डाल दूंगी, और डालने के बाद इस मिक्सी जार को मैं चला दूंगी, और जब तक इसका जो है ना एक मोटा पाउडर नहीं निकल आता तब तक मैं इसको पीसूँगी। मुझे महीन नहीं करना है क्योंकि अचार में दरदरा सा मसाला पड़ता है, तो दरदरा मसाला करना है मुझे। मैं अब अचार डालने जा रही हूँ, तो इसके अंदर जो मैंने मसाला पीसा था वो 5 से 7 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको डालने के बाद मैं इसके अंदर 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी, और उसके बाद नमक 4 चम्मच के करीब में, और इसके बाद 1.5 चम्मच के करीब में हींग डालूँगी, और आपस में सबको मिक्स कर दूँगी। इसके बाद मैं गन्ने का सिरका है जो ब्राउन वाला उसको डालूँगी, और उसके बाद फिर अच्छी तरीके से सबको मिक्स करूँगी। और जो है ना अगर आपको मसाला थोड़ा कम और लगता है तो और मिक्स कर लीजिए, और गन्ने का रस भी अगर आपको कम लगता है सिरका मतलब कि, तो उसको और मिला लीजिए। तो जो है ना सिरके से क्या होता है अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो मसाला अगर ऊपर नीचे होता है तो और एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, और नमक चेक कर लीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं सरसों का ऑयल मिक्स करूँगी, तो अब मैं जो है ना इन सबको जार के अंदर भर लूँगी, मेरे पास कांच की बर्नी नहीं है इसलिए प्लास्टिक की बर्नी में भर रहे हैं, इसके बाद इसके अंदर ऑयल। तो गाइस जो है ना ये अचार तैयार हो गया, तो मैंने बर्नी में इसको पूरा डाल दिया है, और इसके बाद मैं इसके अंदर जो बचा हुआ ऑयल है उसको डालूंगी, और उसके बाद थोड़ा सा सिरका और डाल दूंगी, और इसको 15 दिन के लिए मैं धूप में रखूंगी, बस अचार तैयार हो जाएगा। अभी तो खाने वाला नहीं है, 15 दिन बाद। मिर्ची की अचार बना लिया है, और ये रेसिपी थोड़ी सी लंबी हो गई थी तो मैं इसको जो है ना स्पीड में डालूंगी, तो आप देख लीजिएगा गाइस बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मतलब इसका एक वीडियो, तो उसको मुझे थोड़ा सा स्पीड में डालना पड़ेगा, क्या कर सकती हूँ। तो गाइस देख लीजिएगा, और इसी तरीके से मैं अचार बनाती हूँ। तो ये कुंदरू कह रही हूँ करौंदे मिर्ची का अचार है। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और वो जो है ना दही लिए आए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ जो है ना बनाने कढ़ी। तो जो है ना कढ़ी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। राइस मैं शाम को, मतलब रात को डिनर में नहीं बनाती हूँ मोस्ट टाइम, तो इसलिए कढ़ी और रोटी ही बनेगी। तो गाइस चलते हैं जल्दी से, मैं डिनर बना लेती हूँ, काफ़ी लेट हो रहा है, तो चलते। तो गाइस मैं किचन में आ गई हूँ, और ये दही है, दही को मैंने अच्छी तरीके से मत लिया था, और इसमें पानी मिक्स कर दिया, इसके अंदर मुझे पकौड़ी फुलानी है। और इसके बाद मैंने बेसन लिया, बेसन के अंदर नमक और मिर्च डाला है, और बस इसको फेंट लिया है, और इतना फेंटा है कि आप देख सकते हो पानी के अंदर पकौड़ी ऊपर उठ जाए तो समझ जाइए बेसन उठ गया है। तो अब मैंने ये कढ़ाई में ऑयल चढ़ाया, ऑयल गर्म हो गया है, तो इसके अंदर ये पकौड़ियाँ मैं डाल रही हूँ। अब पकौड़ी अगर फूलती है और इसमें अगर छेद छेद बनते हैं तो समझ जाइए कि जो है ना बेसन फिट गया है। तो अब मैं इसे ब्राउन होने तक इसको भूंज लूँगी, सारी पकौड़ियों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो ये पकौड़ियाँ फ्राई हो चुकी है, ब्राउन कलर का हो गया, तो इन सारी पकौड़ियों को मैं निकाल के दही के अंदर डाल दूंगी जो मैंने बाकी पकौड़ियों को डाला है, और चम्मच की सहायता से जो है दही के अंदर डिप कर दूंगी सब सारी पकौड़ियों को, इससे
फूल जाती हैं। और बस अब मैंने तेल को कम कर लिया है और थोड़ी से तेल में मैंने पंचफोड़न डाला है और इसके बाद इसमें मैंने दो लाल मिर्च को, हरी मिर्च को मैंने डाला है काट कर चार टुकड़ों में। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना लहसुन डाला है। बस इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। तो ये लहसुन गोल्डन कलर का हो गया था, अब मैंने इसके अंदर हींग डाला और उसके बाद मैंने हल्दी डाल दिया है। हल्दी के डालने के बाद इसके अंदर मैंने पानी मिक्स किया है क्योंकि इसके अंदर मसाला डालना है तो मसाला जल जाएगा। तो अब ये मैं सब्ज़ी मसाला डाल रही हूँ और इसके बाद रेड चिली पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी। बस इन मसालों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, जब तक ये मसाले सूख नहीं जाते, ऑयल से अलग नहीं हो जाते तब तक भूंजूँगी। तो ये मसाला भुन चुका है, ऑयल से अलग हो चुका है, अब दिख रहा है। तो अब ये जो है ना, जो बेसन का मैंने पकौड़ी बनाई थी उसका मैंने पानी डाल के घोल बना दिया है थोड़ा सा बेसन में। तो बस अब इसको डाल दूंगी क्योंकि इससे जो है ना कढ़ी गाढ़ी होती है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। तो थोड़े से बेसन की जो पकौड़ियाँ निकालने के बाद थोड़ा सा बेसन बचा देना चाहिए, उसमें पानी मिला के रख दो और उसके बाद वही पानी इसके अंदर डालो तो बहुत ही अच्छी कढ़ी बनती है, एक बार ट्राई करके देखिए। तो गाइस जो है ना, अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से उबाल लीजिए, जब तक उबाल नहीं आता और थोड़ा सा रसा गाढ़ा नहीं होता तब तक इसको उबालते रहिए। और ये रसा गाढ़ा हो चुका है तो अब मैं जो दही में पकौड़ी फूली हुई थी तो उसको मैं डाल दूंगी, सारे को दही पलट लूंगी पकौड़ी के साथ। और बस इसके बाद इसको थोड़ी देर तक मैं चलाऊंगी, तब तक एक दो उबाल और नहीं आ जाता तब तक मैं इसको उबालूंगी और रसा थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक ये कढ़ी नहीं बनती। गाइस अब ये कढ़ी बन चुकी है, अब मैं इसके अंदर नमक मिक्स करूंगी और नमक मिक्स करना मैं भूल गई थी, ये मेरी गलती थी। तो मुझे ग्रेवी के साथ ही मिक्स करना था। तो बस अब कढ़ी तैयार हो चुकी है। तो गाइस ऐसी कढ़ी बनाइएगा, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही, तो गाइस बहुत यमी बनती है ये कढ़ी। तो गाइस इसमें मैं नमक डालना पहले भूल गई थी क्योंकि मुझे ग्रेवी के साथ मिक्स करना था नमक को, और मेरे दिमाग से स्विप कर गया और कभी कभार गलतियां हो जाती, मुझसे भी हो गई। तो बस अब कढ़ी तैयार होगी तो मैं रोटी बना लूँगी और बस कढ़ी और रोटी मेरी ये डिनर है आज का। तो गाइस अब तो गाइज़ ये डिनर है हमारा, कढ़ी रोटी और प्याज का सैलड। तो बस ये हमारा डिनर है, तो निकल गई है प्लेट, जल्दी से आप सब आ जाइए डिनर करने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, इसमें मॉर्निंग हो रहा है और मॉर्निंग की क्लीनिंग चालू हो गई है तो मैं मॉर्निंग में आप सबसे नहीं बात कर पाई तो इसके लिए सॉरी। तो गाइज अब क्लीनिंग चालू है तो मैं पहले ड्रेसिंग टेबल को अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा सब कुछ करना है और जल्दी भी आज हो रही है तो इसलिए मैं बात नहीं कर पाई, तो क्लीनिंग कर रही हूँ सीधे। तो गाइज जो है ना, ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग हो चुकी है तो अब मैं बेड के सिरहाने की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो गाइज मैं रोज के रोज एक बार ज़रूर जो है ना डस्टर से अच्छी तरीके से पोछ लेती हूँ, और सूखे डस्टर से और गीले डस्टर दोनों से मैं अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ। तो सूखे डस्टर से मैं क्लीन कर चुकी हूँ तो अब मैं गीले डस्टर से क्लीन कर रही हूँ और अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लूँगी। तो गाइज मैं आज बेड शीट को चेंज कर रही हूँ क्योंकि 3-4 दिन के अंदर मैं बेड शीट को चेंज कर देती हूँ। तो जो बेड शीट बिछा था उसी से मैं बेड को अच्छी तरीके से झाड़ लूँगी और फिर उसके बाद नए चादर को बिछाऊँगी इसके ऊपर, और जो है ना अच्छी तरीके से जो है ना बेड के किनारे किनारे दबा दूंगी बेड शीट को। अगर अच्छी तरीके से आप बेड के किनारे किनारे दबा दें तो फिर बेड शीट जल्दी निकलती नहीं है, और बेड के सिरहाने पे मैं गद्दा नहीं उठा पाती हूँ, इसकी वजह से मुझे जो है ना कोम से जैसे कंघे से ही दबाना पड़ता है क्योंकि इधर के साइड में बैठो तो फिर गद्दा उठाते बनता नहीं है, तो इसलिए मैं जो है ना कंघे से ही दबा देती हूँ। गाइस बेड शीट चेंज हो चुका है तो अब मैं पिल्लो कवर को चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं बेड शीट के साथ ही पिल्लो कवर को चेंज कर देती हूँ, कहते हैं हाइजीन होता है, बेड शीट और पिल्लो कवर को चेंज करते रहना चाहिए, 3-4 दिन के बाद तो चेंज ज़रूर कर देना चाहिए क्योंकि बाहर से हम लोग आते हैं और पसीना भी रहता है पूरे दिन और इसी बेड पर लेटना होता है तो काफ़ी जो है ना इन्फेक्शन का होता है, तो 3-4 दिन में एक बार बेड शीट चेंज कर देना चाहिए। और इसके बाद बस गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक दीजिए, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए।